हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल के टच को कैसे शो कर सकते हैं। मतलब मेरा ये कि जहाँ कहीं हम टच करें, हमें पता चले कि यहाँ पर हम टच कर रहे हैं। हमें तो ऑलरेडी पता है कि देखने वाला भी ये देख सके कि यहाँ पर ये भाई टच कर रहा है। आई मीन के इस तरह ये चीज़, ये मैं अभी एक फिंगर से टच कर रहा हूँ, अभी ये दो फिंगर से मैंने टच किया, अभी ये मैंने तीन फिंगर से टच किया, अभी ये मैंने चार फिंगर से टच किया, अभी ये मैंने पांच फिंगर से टच किया। तो इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई क्लास बनाते हैं या कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं किसी को दिखाने के लिए, तो उसे अक्सर कभी पता नहीं चलता कि भाई ने कहाँ पर टच किया। इसलिए ऑप्शन हमें लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ से डाउनलोड होता है और इसका क्या तरीका है, इसे कैसे अनेबल करते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करें, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होने वाला। ये देखिए, मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की हुई है। आपने बस इतना लिखना है, शो टचेस, ठीक है। ये इसकी आपको लिंक नज़र आ रही है डाउनलोड की। 1.8 MB की ये फाइल है, बहुत ही छोटी फाइल है दोस्तों। तो इसे यूज़ करने का भी तरीका बहुत आसान है। मैंने इसे डाउनलोड कर रखा हुआ है और इंस्टॉल भी आपके सामने ही है। तो ये डाउनलोड मैंने की हुई है। तो ये देखिए, ये इसका आइकन पड़ा हुआ है, इसे मैंने क्लिक किया। बस एक दो सेटअप है इसके, यहाँ से हमने डिसेबल कर दिया। अब ये देखिए, मैं स्क्रीन को टच कर रहा हूँ, हर जगह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अभी मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया, तो ये देखिए, ये इसका टच आपको नज़र आ रहा है। जितनी भी फिंगर से आप इसे टच करेंगे, उतनी ही फिंगर यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।